और वहीं गुवाहाटी और शिलांग शहर तैयार है 12वें दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करने के लिए। हर 2 साल में आयोजित होने वाले दक्षिण एशियाई खेलों की शुरुआत शुक्रवार से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में इन खेलों का उद्घाटन करेंगे। शुक्रवार से 12वें दक्षिण एशियाई खेलों की शुरुआत होने जा रही है। 5 फरवरी से 16 फरवरी तक चलने वाले इन खेलों के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन खेलों में दक्षिण एशियाई ओलंपिक काउंसिल के 8 सदस्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हिस्सा लेते हैं। 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन पूर्वोत्तर भारत के 2 शहर गुवाहाटी और शिलांग में संयुक्त रूप से हो रहा है। गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर है और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। वहीं भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक राज्य मेघालय की राजधानी शिलांग है, जो एक पर्वतीय स्थल है और इसे मेघों का घर भी कहा जाता है। इन खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सैक खेलों में 23 खेल मुकाबलों में कुल 228 स्पर्धाओं का आयोजन होगा, जिसमें 228 स्वर्ण, 228 रजत और 308 कांस्य पदक दांव पर लगे रहेंगे। गुवाहाटी में 16 खेलों का आयोजन किया जाएगा, जबकि शिलांग में 7 खेल आयोजित होंगे। इस बार इन खेलों के प्रतीक चिन्ह में 8 पंखुड़ियां हैं, जो 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में प्रतिभागी देशों को दर्शाती हैं। इन खेलों के शुभंकर का नाम तिखोर है, जो 12वें दक्षिण एशियाई खेल 2016 का ब्रांड एम्बेसडर है। खेलों के थीम सॉन्ग को देश के प्रतिष्ठित संगीतकार और गीतकार भूपेन हजारिका ने लिखा था। इन खेलों के सुचारू संचालन के लिए केंद्रीय खेल मंत्री सर्वानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में आयोजन समिति का गठन किया गया है और भारतीय ओलंपिक संघ आयोग के अध्यक्ष एन रामचंद्रन को समिति का सह अध्यक्ष बनाया गया है। इन खेलों में मुक्केबाजी और बैडमिंटन के प्रति लोगों का क्रेज बढ़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस स्पर्धा में देश के शीर्ष खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। बैडमिंटन में सायना नेहवाल के अलावा पीवी सिंधु और ज्वाला गुट्टा भाग लेंगी, जबकि मुक्केबाजी उत्तर पूर्व राज्यों में काफी लोकप्रिय है। ऐसे में मैरीकॉम और सरिता देवी जैसी स्टार खिलाड़ी शिरकत करती नजर आएंगी। भारत इससे पहले इन खेलों की मेजबानी 1987 में कोलकाता और 1995 में चेन्नई में कर चुका है। आगामी प्रतियोगिता खेलों और खिलाड़ियों की संख्या के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होगी, जिसका आयोजन 4 साल के विलम्ब से हो रहा है। दिल्ली से अशोक मार्तोलिया के साथ गुवाहाटी से राजीव रस्तोगी, DD News।